केंद्र की मोदी सरकार ईडी सीबीआई समेत संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। हल्द्वानी में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते पुतला जलाया। यूथ कांग्रेस महानगर अध्यक्ष हेमंत साहू व प्रदेश महासचिव हृदयेश कुमार ने कहा कि दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय के भीतर पुलिस की एंट्री को उन्होंने लोकतंत्र की हत्या करार दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा विपक्ष को हटाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। वो लगातार कानून व्यवस्था का उल्लंघन कर रहे हैं या फिर अपने हिसाब से चला रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा संदेश नहीं है। इस मौके पर तमाम कांग्रेसी मौजूद रहे। आम जन को लेके और आम जनता की समस्याओं को लेके केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ हमेशा हल्ला बोल किया गया है। उनके आवाज को कुचलने के लिए इससे पहले केंद्र सरकार ने पेगासस ऐप के माध्यम से उनकी जासूसी करवाई और अब ईडी द्वारा उनके ऊपर जांच करवा के जन भावनाओं को कुचलने का काम उनके द्वारा किया जा रहा है। इसको युवा कांग्रेस कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। आज हम केंद्र सरकार का मुद्दा दहन कर रहे हैं और अगर राहुल गांधी जी और हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ इस प्रकार का मानवीय व्यवहार केंद्र सरकार द्वारा किया गया तो हम केंद्रव्यापी आंदोलन करेंगे। केंद्र सरकार द्वारा हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा जो हमारे नेता आदरणीय नेता राहुल गांधी जी के खिलाफ जो ईडी को अपने एक पालतू अपने हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, एक अपने पर्सनल जो अपनी पर्सनल रंजिश है वो निकालने के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया जाए, उसके विरोध में हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और यहाँ पर केंद्र सरकार का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर पुतला दहन कर रहे हैं। और हम चेताना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कि आप कितने भी हथकंडे अपना लीजिए, आप कितने भी षड्यंत्र कर लीजिए, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता अपने हमारे नेता राहुल गांधी की इस लड़ाई को पूरी ईमानदारी के साथ लड़ेगा और पूरे अंतिम दम तक लड़ेगा। जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका मोदी सरकार दुरुपयोग कर रही है। उन संस्थाओं को आगे कर, चाहे पुलिस हो, चाहे ईडी हो, चाहे अन्य संस्थाएं, उनको आगे कर लगातार राजनीतिक षड्यंत्र रचने का काम कर रही है। लगातार कांग्रेस पार्टी के नेताओं को परेशान करने का काम कर रही है। जो देश की आवाज उठाते हैं माननीय राहुल गांधी जी, उनके साथ लगातार अत्याचार करने का काम कर रही है। जिस तरीके से कल दो दो प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ और तमाम कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के साथ पुलिस और प्रशासन के द्वारा बदतमीजी की गई, जिस तरीके से बर्बरता की गई, वो निश्चित तौर पर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उसका यूथ कांग्रेस बहुत पुरजोर तरीके से विरोध करता है। यूथ कांग्रेस मोदी सरकार को चेतावनी देता है, ऐसी निकम्मी, ऐसी नीच, ऐसी बेहोदगी वाली हरकतें बंद करने का काम करे। ये संस्थाएं जिन पर देश को, पूरे देश को गर्व होता था, वो संस्थाएं आज भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली के तौर पर काम कर रही है। ये देश का दुर्भाग्य है और ये मोदी जी की सोची समझी साजिश का नतीजा है।